बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। राकेश कुमार सिंह उर्फ बिहारी सिंह बने मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष। अस्थावा प्रखंड क्षेत्र के नेरुद गांव में शुक्रवार को प्रखंड के मुखिया ने बैठक किया। मुखिया संघ की बैठक मालती पंचायत की मुखिया नीलम देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन अंडी पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार ने किया। आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष की योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई। इसके बाद मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें राकेश कुमार सिंह उर्फ बिहारी सिंह को मुखिया संघ के अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष तपन कुमार, सचिव धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार उर्फ राजा बाबू को बनाया गया। आयोजित बैठक में सभी पंचायत के मुखिया शामिल हुए। नव निर्वाचित मुखिया संघ अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ बिहारी सिंह ने कहा कि सभी पंचायत के मुखिया के साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि मुखिया के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी पंचायत के मुखिया के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। पंचायत में पदस्थापित कार्यपालक सहायक बिना मुखिया के सूचना के पंचायत से गायब रहते हैं, इस मनमानी पर लगाम कसेंगे। योजनाओं को परकालन बनाने में टोल मटोल करते हैं, साथ परकालन बनाने की पैसे की मांग भी किया करते हैं। आवास योजना में आवास सहायक के मनमानी पर रोक लगाम लगाई जाएगी। मनरेगा में मनमानी पर रोक लगेगी। कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के हर दुख सुख में मैं काम करूंगा, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है। पंचायत में चल रहे योजनाओं के समय पर कार्य हो रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को तात्पर्य से कार्य करना होगा। इस मौके पर सुनील कुमार, गिलानी पंचायत के मुखिया विजय कुमार चौधरी, डुमराव पंचायत के मुखिया अमित कुमार, रुदल पासवान, बंबू प्रसाद, लालाजी कुमार, मुरारी प्रसाद, संजीव कुमार सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। आपस में हमारे निवास स्थान पर नेहरू ग्राम पंचायत के जो पंचायत कार्यालय हम बना के रखे हैं, वहीं पर सबको बैठक आहूत किए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राकेश कुमार और बिहारी सिंह को अध्यक्ष पद से मनोनीत किया गया और श्री तपन कुमार जो कि कैला मुखिया हैं उनको उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। हमारे सम्मानित मुखिया जी पप्पू कुमार, धर्मेंद्र कुमार उनका नाम है, पप्पू कुमार के नाम से जानते हैं उनको, उनको सचिव पद पर नियुक्त किया गया और अंधी पंचायत के मुखिया हैं। और अपना प्रशांत कुमार जो कि अमावा पंचायत के मुखिया हैं उनको कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रखंड में जो भी विभाग के द्वारा भ्रष्टाचार जो मैंने अराजकता पर एकदम मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया है, सबसे पहले उसको दूर करना है। हम लोग सभी मुखिया जी मिलकर के यथासंभव कोशिश करेंगे और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार को दूर करें। दूसरा कि हम मैंने मुखिया जी को सबको एक विभाग के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी मिला हुआ नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा। सभी कार्यपालक पदाधिकारी बिना कोई मुखिया जी को सूचनार्थ पंचायत मुख्यालय से दिनों दिन लापता रहते हैं, मुखिया जी को पता भी नहीं रहता है। ये सब चीज़ पर गहन विचार कर करके इस समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। तीसरा है मनरेगा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कोशिश करें कि मैंने बात कर करके पीओ साहब से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, इस पर निदान निकालेंगे। आवास सहायक अत्यधिक मनमानी कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। विचार करके जहाँ भी होगा जितना भी संभव होगा उस चीज़ को दूर मैंने उस कठिनाई को दूर करने का कोशिश करेंगे। तकनीकी सहायक द्वारा जो भी मुखिया जी हमारे प्रकलन बनाने के लिए बोलते हैं उस पर भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में प्रकलन बन के मिलता है, तो विकास काम में सीधा बाधा पहुंच रहा है। तो ये सब चीज़ से हम लोग निजात पाएंगे और जहां तक हमसे प्रयास मेरा प्रयास रहेगा कि सभी मुखिया जी का सहयोग लेकर के इन सभी बिंदुओं पर
निदान मैंने जल्द से जल्द निदान करें, यथासंभव हमसे जो भरपूर प्रयास रहेगा इसको कि सारा जो भी हम लोग पारित किए हैं बैठक में इस पर जल्द से जल्द मतलब कि कार्रवाई कर करके बात कर करके जो भी है हम लोग इस पर इसका निदान निकालेंगे। क्या नाम लिखते हैं? हम पूरा नाम लिखते हैं इसे राकेश कुमार, हम लोग बिहारी सिंह के नाम से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।